स्टार्ट भाई, अरे उतार नीचे उतार भाई उतार। यहाँ पर आप जो है टिकट ले सकते हैं, टिकट पॉइंट है, और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री। सो ऐसा है कि जब भी आइएगा तो मास्क पहन के जरूर आइएगा, तभी आपको एंट्री अंदर मिलेगी। तो अभी ऐसा है कि हम अभी शहीद पीर अली खां पार्क, जिसको चिल्ड्रन पार्क के नाम से जाना जाता है, तो अभी हम चिल्ड्रन पार्क के अंदर आ चुके हैं। साथ में साथ देने वाला हमारा दोस्त है नाजिक। नाजिक एक बार हाय कर दे। हाँ तो गाइज, आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग जो है वो स्पेशली बच्चों के लिए है। तो ऐसा है कि एक मिक्की माउस भी है हमारे चिल्ड्रन पार्क में पटना के। बाबू मजा आ रहा था ऊपर में? मजा आ रहा था बेटा। कैसा लग रहा था? और झूलोगी क्या? तो ऐसा है कि बच्चे जो है कि एंजॉय भी करते हैं, और झूलों पर अगर पहली बार चढ़ते हैं तो डर भी लगता है। सो तू बैठना। तो एक बार और तू सुन क्या। हम लोग यार जब बचपन में छोटे थे तो एक चीज यहाँ पर नहीं थी जिसकी कमी चिल्ड्रन पार्क में जो है कि पूरी हो चुकी है। अब तो आपको दिखाते हैं कि वो क्या चीज है कि सिर्फ 30 रुपए में बच्चों को बोटिंग कर सकते हैं, वो भी जो है कि 1 साल से लेके 10 साल के बच्चे। बाबू काफी तेजी से झूल रहे हैं, अभी इनको और ढकेलेंगे तो काफी मजा आने वाला है। हो गया भाई लोग, हो गया। नहीं बाबा अभी का हो। काफी समय के बाद हम इस झूले पर थे, और एक्चुअली में ये मैं अपने मन से नहीं बैठा था, जबरदस्ती नाजिश ने बैठा दिया। उसके बाद पता है आप लोग क्या होता है, और पीछे से धक्का देने लगा और झूला तेज हो गया। बचपन लौट आया वापस। ऐसा है कि नाजिश जो है ना बहुत ज्यादा एंजॉय करता है झूलों का, या फिर देखिए मेरे ऊपर इल्जाम दे रहा है। एक्चुअली में नाजिश का प्लान है कि सी सौ पे झूलेंगे, तो फाइनली सी सौ पे आ चुके हैं। दे भाई उतार दे।
भाई। अरे उतार नीचे उतार भाई, भाई ऐसा है कि अभी हमको ऊपर अटका दिया है और नादिर खुद नीचे बैठा हुआ है। अब धमकियां पे धमकियां मिल रही हैं कि भाई नीचे अगर हम उठ गए तो तुम गिर जाओगे। तो फाइनली सीसॉ जो था एंजॉय किया हम लोगों ने। अब चलते हैं, देखते हैं कि और भी क्या कुछ चीजें हैं। बच्चे कम बड़े ज्यादा एंजॉय कर। यहाँ पर बहुत दिन हो गए हम लोगों को आए हुए, तो डर भी लग रहा है। अभी बड़े हो चुके और ओवर वेटेड है। बहुत ही गंदा हो चुका है, काई जम चुकी है, सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब हमारे चिल्ड्रन पार्क में है हमारे पीछे और एंजॉय कर रहे हैं। जीप राइड है, ये जीप राइड आप इसको बोल सकते हैं। एक्चुअली में अभी हम लोग मिल्क शेक पी रहे हैं और मिल्क शेक तो एक नए अंदाज में है। यहाँ पर 60 रुपीज का हमें दो पड़ा है और सेल्फ मेड है, खुद का बनाया हुआ है यहाँ पर। तो आप चाहे तो इसको भी टेस्ट कर सकते हैं, अच्छा टेस्ट होता है। तो एक्चुअली में जब हमें खाना पीना होता है तो मास्क को डाउन कर लेते हैं और डाउन करके खा भी सकते हैं आप। हाँ, टेस्टी तो है, आप लोग भी कभी आइए तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फोटोशूट के लिए यूज़ किया जाता है। आपको ये स्पॉट भी हम दिखाते हैं। एक्चुअली में जब आप पटना में होंगे और इस स्पॉट पे आए होंगे तो फोटोशूट के लिए फोटोग्राफर ने आपको यहीं पर लाया होगा। देखा कि अभी पटना का जो शहीद पीर अली पार्क है और जिसको चिल्ड्रन पार्क के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी जो व्लॉगिंग है वो हो चुकी है एक्चुअली में ख़त्म। तो ऐसा है कि अगर भाई को आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा banjara.official2020। और ऐसा है भाई लोग कि अपना प्यार बरसाते रहिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। चिल्ड्रन पार्क में एंट्री करोगे ना तो एंट्री करने के साथ आपको पॉपकॉर्न का एक दुकान मिलेगा। भैया है अंदर, पॉपकॉर्न बेच रहे हैं और साथ ही आपको ये मिठाई, इसको क्या कहते हैं भैया इसे, हाँ भाई ये ऐसा है कि ये कॉटन कैंडी और बचपन में बहुत खाया करते थे। तो आप जब भी चिल्ड्रन पार्क आए तो खाएं और इंजॉय करें। रयान ने पेट लगाया है और शर्ट लगाई है, अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स नहीं है तो रयान अगली बार व्लॉगिंग नहीं करेगा। हाँ भाई ऐसा है, 50 लाइक्स तो बनता है ना। तो ऐसा है कि अभी हम निकल गए हैं इस चिल्ड्रन पार्क से बाहर। और आपको ये ब्लॉगिंग कैसी लगी तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।